नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज जलवायु परिवर्तन के बारे में। तो देखेंगे हम लोग इसमें कि जलवायु आखिर परिवर्तन होता क्या है और ये अभी चर्चा में क्यों है उसे भी देख लेंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसके आखिर कारण क्या है, प्राकृतिक कितने हैं, मानवीय कितने हैं, ठीक है उन्हें भी देख लेंगे। जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उससे समस्याएं या प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे ऊपर या पृथ्वी पर, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास क्या किए जा रहे हैं, भारत की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें भी हम लोग देखेंगे। 2100 तक भारत समेत अमेरिका, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, रूस और ब्रिटेन जैसे सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं जलवायु परिवर्तन के असर से अछूती नहीं रहेंगी। कुछ समय पूर्व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक शोध टीम ने 174 देशों के वर्ष 1960 के बाद जलवायु संबंधी आंकड़ों का अध्ययन किया। अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की स्थिति में विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ मानव के अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसके अतिरिक्त पिछली सदी से अब तक समुद्र के स्तर में भी लगभग 8 इंच की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के अनुसार भारत को जलवायु परिवर्तन के कारण हुई प्राकृतिक आपदाओं से वर्ष 1998 से लेकर 2017 के बीच समय अवधि के दौरान लगभग 8000 करोड़ डॉलर की आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा है। याद रखिए 1998 से 2017 के बीच कितना, 8000 करोड़ डॉलर की आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। यदि पूरी दुनिया की बात की जाए तो इसी समय अवधि में तकरीबन 3 लाख करोड़ डॉलर की क्षति हुई है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फेमबर्ग के तत्वाधान में आयोजित COP25 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए। आखिर जलवायु परिवर्तन है क्या? जलवायु परिवर्तन को समझने से पूर्व यह समझ लेना चाहिए कि जलवायु क्या होता है। सामान्यतः जलवायु का आशय है किसी दिए गए क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से, किसी क्षेत्र में दिए गए जो लंबा मौसम रहता है उसी को हम लोग जलवायु कह देते हैं। अब जब किसी क्षेत्र के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उस जलवायु परिवर्तन उसे क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन को किसी एक स्थान विशेष में भी महसूस किया जा सकता है, एक संपूर्ण विश्व में भी। यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो यह इसका प्रभाव लगभग संपूर्ण विश्व में देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा आज से कुछ साल पहले कि पानी बरसात शुरू होती थी तो महीने बरसात चल रही है, बरसात खुली ही नहीं रही है। देखा होगा ठंड पड़ती थी भयंकर, लेकिन अब ना तो वो बरसात हो रही है और ना ही वो ठंड पड़ रही होती। बरसात का कोई मालूम नहीं रहता है कब हो जाए कब ना हो, ठीक यही है आपका मौसम परिवर्तन। आगे बात करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का तापमान बीते 100 वर्षों में 1 डिग्री फॉरेनहाइट तक बढ़ गया है। पृथ्वी के तापमान में यह परिवर्तन संख्या की दृष्टि से काफी कम हो सकता है, परंतु इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन का मानव जाति पर बड़ा असर हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभावों को वर्तमान में भी महसूस किया जा सकता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने से हिमनद पिघल रहे हैं और महानगर महासागरों का जल स्तर भी बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाएं और कुछ द्वीप के डूबने का खतरा भी बढ़ गया। इस जलवायु के परिवर्तन होने के कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण का बेहतर विश्लेषण करने के लिए इसे दो भागों में विभाजित
कर सकते हैं हम लोग। एक आपका प्राकृतिक गतिविधियां, दूसरा आपका मानवीय गतिविधियां। प्राकृतिक गतिविधियों की बात करें तो महाद्वीपीय संबंध, सृष्टि के प्रारंभ में सभी महाद्वीप एक बड़ी धरातल के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान थे, किंतु सागरों के कारण धीरे धीरे वे एक दूसरे से दूर होते गए और आज उनके अलग अलग खंड बन गए। महाद्वीपीय संबंध अर्थात महाद्वीपों का खिसकना अब भी जारी है, जिसकी वजह से समुद्री धाराएं तथा हवाएं प्रभावित होती हैं और इनका सीधा प्रभाव पृथ्वी की जलवायु पर पड़ता है। हिमालय पर्वत की श्रृंखला प्रतिवर्ष 1 मिलीमीटर की दर से ऊंची हो रही है, जिसका मुख्य कारण भारतीय उपखंड का धीरे धीरे एशियाई महाद्वीप की ओर खिसकना माना जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट होने पर बड़ी मात्रा में विभिन्न गैसें जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि तथा धूल कण वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं, जो कि वायुमंडल की ऊपरी परत समताप मंडल में जाकर फैल जाते हैं तथा पृथ्वी पर आने वाले सूर्य प्रकाश की मात्रा घटा देते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान कम हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा वायुमंडल में फैल जाती। वर्ष 1816 में इंग्लैंड, अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रीष्म ऋतु में अचानक ठंड आई थी, जिसे किलिंग समर फ्रॉस्ट कहा गया। उसका कारण वर्ष 1815 में इंडोनेशिया में हुए अनेक ज्वालामुखी विस्फोट को माना जाता है। पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी के झुकाव के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अधिक झुकाव अर्थात गर्मी, अधिक सर्दी और कम झुकाव अर्थात कम गर्मी, कम सर्दी का मौसम। इस प्रकार पृथ्वी के झुकाव के कारण जलवायु प्रभावित होती है। फिर है आपकी समुद्री धाराएं। जलवायु को संतुलित रखने में सागरों का बड़ा योगदान है। पृथ्वी के 71% भाग में समुद्र व्याप्त है, जो कि वातावरण तथा जमीन की तुलना में दोगुना सूर्य का प्रकाश अवशोषण करते हैं। सागरों को कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक कहा जाता है। वायुमंडल की अपेक्षा 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस समुद्र में होती है। समुद्री बहाव में बदलाव आने से जलवायु प्रभावित होती है। मानवीय गतिविधि, मानवीय गतिविधियों में शामिल है आपका शहरीकरण। 19वीं सदी में हुई औद्योगिक क्रांति की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। रोजगार पाने के लिए गांव में स्थित आबादी शहरों की तरफ प्रस्थान करने लगी। शहरों का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई जैसे महानगरों में उनकी क्षमता से कई गुना अधिक आबादी निकास कर रही थी, जिससे शहरों के संसाधनों का असीमित दोहन हो रहा है। जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, वहां पर उपलब्ध भूभाग दिन प्रतिदिन ऊंची ऊंची इमारतों से ढकता जा रहा है, जिससे उस स्थान की जल संवर्धन क्षमता कम हो रही है तथा बारिश के पानी से प्राप्त होने वाली शीतलता में भी कमी हो रही है, जिससे वहां के पर्यावरण तथा जलवायु पर निरंतर प्रभाव पड़ रहा है। पर आपका औद्योगिकरण, जलवायु परिवर्तन में औद्योगिकरण की बड़ी भूमिका है। विभिन्न प्रकार की मिलें वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अनेक प्रकार की अन्य जहरीली गैसें और धूल कण हवा में छोड़ती हैं, जो वायुमंडल में काफी वर्षों तक विद्यमान रहती हैं। यह ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि जैसी समस्याओं का कारण बनती है। वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण भी औद्योगिकरण की ही देन है। फिर आपका वनोन्मूलन, निरंतर बढ़ती हुई आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। आवास, खेती, लकड़ी और अन्य वन संसाधनों की चाह में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे पृथ्वी का हरित क्षेत्र तेजी से घट रहा है और जलवायु साथ ही जलवायु के परिवर्तन में तेजी आ रही है। रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का प्रयोग, पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों की मांग इतनी तेजी से बढ़ी है कि आज विश्व भर में 1000 से अधिक प्रकार की कीटनाशी उपलब्ध है,
जैसे जैसे इनका प्रयोग उपयोग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वायु, जलवायु, जल तथा भूमि में इनकी मात्रा भी बढ़ती जा रही है, जो कि पर्यावरण को निरंतर प्रदूषित कर घातक स्थिति में पहुंच रहा है। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन से आखिर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो बात करते हैं वर्षा पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि होगी, जिससे आपकी बाढ़, भूस्खलन, भूमि अपरदन जैसी समस्याएं पैदा होगी। जल की गुणवत्ता में गिरावट आएगी और पीने योग्य जल की आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा इससे। जहां तक भारत का प्रश्न है, तो मध्य तथा उत्तरी भारत में कम वर्षा होगी, जबकि इसके विपरीत देश के पूर्वोत्तर और दक्षिण पश्चिम राज्यों में अधिक वर्षा होगी। परिणाम स्वरूप वर्षा जल की कमी से मध्य और उत्तरी भारत में सूखे जैसी स्थिति होगी, जबकि पूर्वोत्तर तथा दक्षिण पश्चिमी राज्यों में अधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी समस्याएं होंगी। समुद्री जल पर स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप ग्लेशियरों के पिघलने के कारण विश्व का औसत समुद्री जल स्तर 21वीं शताब्दी के अंत तक 9 से 88 सेंटीमीटर तक बढ़ने की संभावना है, जिससे दुनिया की आधी से अधिक आबादी जो समुद्र से 60 किलोमीटर की दूरी पर रहती है पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भारत के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल राज्यों के तटीय क्षेत्र जलमग्नता के शिकार होंगे। परिणाम स्वरूप आसपास के गांवों व शहरों में 10 करोड़ से भी अधिक लोग विस्थापित होंगे, जबकि समुद्र में जल स्तर की वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत के लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से मीठे जल के स्रोत दूषित होंगे, परिणाम स्वरूप पीने के पानी की समस्या होगी। पर कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पैदावार पर पड़ेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में फसलों की उत्पादकता में कमी आएगी, जबकि दूसरी तरफ उत्तरी तथा पूर्वी अफ्रीका, मध्य पूर्वी देशों, भारत, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको में गर्मी तथा नमी के कारण फसलों की उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। वर्षा जल की उपलब्धता के आधार पर धान के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण के परिणाम स्वरूप गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी जैसी फसलों की उत्पादकता दर में वृद्धि होगी, जबकि इसके विपरीत मुख्य फसलों जैसे आपकी गेहूं हो गया, धान तथा जौ की उपज में गिरावट दर्ज होगी। आलू के उत्पादन में भी अभूतपूर्व गिरावट दर्ज होगी। बात करते हैं जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके जलवायु पर। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जैव विविधता पर भी पड़ेगा। किसी भी प्रजाति को अनुकूलन हेतु समय की आवश्यकता होती है। वातावरण में अचानक परिवर्तन से अनुकूलन के प्रभाव में उसकी मृत्यु हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव समुद्र के तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली दलदली क्षेत्र वनस्पतियों पर पड़ेगा, जो तट को स्थिरता प्रदान करने के साथ साथ समुद्री क्षेत्रों के प्रजनन का आदर्श स्थल भी होती है। दलदली वन, जिन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है, तटीय क्षेत्रों को समुद्री तूफानों में रक्षा करने का भी कार्य करते हैं। जैव विविधता क्षरण के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन का खतरा बढ़ेगा। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ेगा? जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार माने तो जलवायु में उष्णता के कारण श्वास तथा हृदय संबंधी बीमारियों में वृद्धि हुई। जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप न सिर्फ रोगाणुओं में बढ़ोतरी होगी, अपितु इनकी नई प्रजातियां की भी उत्पत्ति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप फसलों की उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते एक बड़ी आबादी विस्थापित होगी, जो पर्यावरण शरणार्थी कहलाएगी। इससे स्वास्थ्य संबंधी और भी समस्याएं आपकी पैदा होंगी। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु आखिर प्रयास क्या किए जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का उद्देश्य
जलवायु परिवर्तन इसके प्रभाव और भविष्य की संभावित जोखिम के साथ साथ अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु नीति निर्माताओं को रणनीति बनाने के लिए नियमित वैज्ञानिक आकलन प्रदान करना। आईपीसीसी आकलन सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक सूचनाएं प्रदान करता है, जिसका इस्तेमाल जलवायु के प्रति उदार नीति विकसित करने के लिए किया जा सकता है। पर्याप्त संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फेमबर्ग सम्मेलन, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना। वर्ष 1995 से लगातार UNFCCC की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। इसके तहत ही वर्ष 1997 में बहुचर्चित आपका जो क्योटो समझौता हुआ था और विकसित देशों एनेक्स एक में शामिल देश द्वारा ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य तय किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 40 औद्योगिक देशों को अलग सूची एनेक्स एक में रखा गया। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य के साथ संपन्न 32 पृष्ठों एवं 29 लेखों वाले पेरिस समझौते को ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक ऐतिहासिक समझौता के रूप में मान्यता प्राप्त है। कॉप 25 सम्मेलन में लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों ने उन गरीब देशों की मदद करने के लिए एक घोषणा का समर्थन किया जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहे हैं। इसमें पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप पृथ्वी पर वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के लिए तत्काल आवश्यकता का आह्वान भी किया। अब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आखिर भारत ने क्या प्रयास किए उन्हें भी देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ वर्ष 2008 में किया गया था भारत की ओर से। इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इससे मुकाबला करने के उपायों के बारे में जागरूकता करना। इस कार्ययोजना में 8 मिशन शामिल है आपके। राष्ट्रीय सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन एक इस कार्य योजना में शामिल थी। पर्याप्त का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा से उत्पन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी। आईएसए के प्रमुख देशों में वैश्विक स्तर पर 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन क्षमता प्राप्त करना और वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग $1000 बिलियन की राशि को जुटाना शामिल है। तो ये था आपका जलवायु से संबंधित जो भी आपके जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस थे, लगभग सभी के जवाब मिल गए होंगे। ठीक है।